दोस्तों लेटेस्ट रूमर्स के मुताबिक स्ट्रॉन्ग होल्ड रसलमेनिया में रिटर्न करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, द रॉक ने जनवरी 1 के मंडे नाइट रॉक एपिसोड में WWE में रिटर्न की। फिर द रॉक का जिंडरपाल के साथ एक सेगमेंट था जो रॉक द्वारा जिंडरपाल अटैक करने के साथ एंड हुआ। द रॉक फिर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के फरवरी 2 के एपिसोड में लौटे, जहां सभी ने सोचा कि रॉक रसलमेनिया में रोमन रेंस के ओपोनेंट होंगे। लेकिन रसलमेनिया 40 के किकऑफ शो में द रॉक ने रोमन रेंस के साथ मिलकर कोडी रोड्स को स्लैप किया। इस इवेंट के बाद द रॉक सभी शोज में आए और वह रोमन रेंस और कोडी रोड्स के फ्यूड में शामिल हो गए। चूंकि द रॉक TKO के बॉर्डर डायरेक्टर्स के मेंबर है, इसलिए हर हफ्ते वह सभी को बताते थे कि वह WWE में बॉस है। द रॉक ने यहां तक कहा कि वह कोडी रोड्स को अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने से रोकने के लिए सब कुछ करेंगे और उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। कई रिपोर्ट्स में कहा है कि रसलमेनिया नाइट 1 में रॉक और रोमन रेंस टैग टीम मैच जीतेंगे, तो रसलमेनिया की नाइट 2 में ब्लडलाइन कोडी रोड्स और रोमन रेंस के बीच मैच में इंटरफेयर करेगी और फिर स्ट्रॉन्ग होल्ड वापस आ जाएगा। तो दोस्तों, आप इस रूमर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।